हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे यूएफए नेशंस लीग के मैच के बारे में जो खेला जाएगा आर्मेनिया और यूक्रेन के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो इस वीडियो में इन दोनों टीम के हर एक प्लेयर्स के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो कंप्लीट देखना और ध्यान से देखना, ओके। तो अब हम नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीम की फीफा वर्ल्ड रैंकिंग पर। तो गाइस, आर्मेनिया फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में फिलहाल के टाइम पर 92 पोजीशन पर है। वहीं पर बात करें यूक्रेन फिलहाल के टाइम पर 27 पोजीशन पर है। तो गाइस, इन दोनों टीमों की जो पोजीशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो गाइस, अब बात आती है कि इन दोनों टीम में से हम किस टीम को अपनी ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान चलें। तो गाइस, मैं फिलहाल के लिए यूक्रेन को ही एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि गाइस, इस टीम की जो पोजीशन है फीफा रैंक में वो काफ़ी सेफ है एज कम्पेयर टू आर्मेनिया। लेकिन गाइस, हम बात भी करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती है तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीम्स की ओर से, और यहाँ से भी क्लियर ही हो जाएगा कि कौन सी टीम इस मैच में क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली है हमारे समोली टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम इलेवन पर। तो नज़र डालते हैं इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड मैचेस पर। तो गाइस, इन दोनों टीम के बीच में लास्ट 3 हेड टू हेड मैच खेले गए हैं, जिनमें से आर्मेनिया ने इस टीम के सामने एक भी मैच विन नहीं किया, एक मैच ड्रॉ जरूर खेला लेकिन 2 मैच लॉस भी किए। अटैक से 1.7 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 3 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। अब बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीम के बीच में खेला गया, उस मैच को यूक्रेन इसी टीम के सामने 3-0 से मैच को विन कर गई। अटैकिंग वाइज 3 गोल स्कोर किए लेकिन डिफेंस से गोल तक कंसीड नहीं किया। और रिसेंटली ये हेड टू हेड मैच हुआ है इन दोनों टीम्स के बीच में, और उससे पिछले 2 मैच इन दोनों टीमों के बीच में और खेले गए, उस मैच को भी यूक्रेन ने 4-3 से विन किया है, और एक मैच इस टीम के सामने अटैकिंग ड्रॉ खेला, लेकिन वो 2003 और 2002 के, वो काफ़ी पहले के मैचेस हैं। लेकिन रिसेंटली अगर देखा जाए तो मैचेस के अकॉर्डिंग तो यूक्रेन ने इस टीम के सामने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया है अटैक से भी और डिफेंस से भी। तो इसीलिए मैं यूक्रेन को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लेकिन गाइस, हम बात करेंगे इन दोनों टीम का जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है, हम एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं। तो गाइस, आर्मेनिया करंटली 6 मैच खेल चुके हैं, जिनमें से इस टीम ने 2 मैच विन करे हैं और 4 मैच लॉस किए हैं। अटैक से 0.5 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 3 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। तो यहां से पता चलता है कि इस टीम का डिफेंस कितना डाउन है और अटैक भी कितना डाउन देखने को मिलता है। अब बात करें जो पिछला मैच आर्मेनिया स्कॉटलैंड के सामने 4-1 से मैच को लॉस करके आ रही है, अटैक से सिर्फ 1 ही गोल स्कोर किया लेकिन डिफेंस से 4 गोल कंसीड किए, और उससे पिछले मुकाबला आर्मेनिया के सामने ये टीम 3-0 से लॉस की है, और एक मैच फिर स्कॉटलैंड के सामने 2-0 से विन लॉस किए, और एक मैच आयरलैंड के सामने टीम 1-0 से विन किए, और नॉर्वे के सामने टीम 9-0 से लॉस किए, और मोंटेग्रो के सामने टीम 1-0 से मैच को विन किए। तो परफॉर्मेंस अगर इस टीम का रिसेंटली देखा जाए तो अटैक तो काफ़ी डाउन है और डिफेंस उससे भी ज़्यादा डाउन देखने को मिलता है। तो गाइस, अब बात आती है यूक्रेन का जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है, हम एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं। तो गाइस, यूक्रेन ने करंटली खेले हैं 6 मैच, जिनमें से इस टीम ने 3 मैच विन करें, 1 मैच ड्रॉ खेला, सिर्फ 2 मैच लॉस किए। अटैक से 1.3 गोल पर मैच स्कोर किया लेकिन डिफेंस से 1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब ये टीम फिलहाल टाइम पर प्रत्येक मैच में कम से कम तो एक, और कभी कभी तो अपने से हल्की टीम सामने पर मैच में टीम 2 या 3 गोल तक भी स्कोर कर देती है, लेकिन डिफेंस जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती। एक बेहतर टीम के सामने गोल कंसीड करती है, वरना गोल तक कंसीड नहीं करती और मैच को विन कर लेती है। अब बात करें जो पिछला मैच यूक्रेन स्कॉटलैंड के सामने 3-0 से मैच को लॉस कर आ रही है, और उससे फिर मुकाबला आयरलैंड के सामने टीम अटैकिंग ड्रॉ खेली, और उससे फिर मुकाबला आर्मेनिया के सामने 3-0 से विन की, और एक मैच फिर आयरलैंड के सामने 1-0 से विन की, और एक मैच वेल्स के सामने जो कि काफ़ी बेहतरीन टीम है उस टीम के सामने लॉस की, और एक मैच इस टीम ने स्कॉटलैंड के सामने 3-1 से मैच को विन भी किया। तो परफॉर्मेंस अगर रिसेंटली यूक्रेन का देखा जाए तो अटैक भी काफ़ी शानदार है और डिफेंस भी आपको काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। तो फाइनली गाइस, अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले हमने इन दोनों टीम की फीफा वर्ल्ड रैंकिंग पर नज़र डाली, फिर हमने इन दोनों टीम का हेड टू हेड मैचेस पर नज़र डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म पर भी नज़र डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर कर लेंगे कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा इन तीनों फॉर्मेट में, तो गाइस फीफा रैंक के अनुसार आर्मेनिया की जो पोजीशन है वो काफ़ी डाउन है एज कंपेयर टू यूक्रेन। और हेड टू हेड का अकॉर्डिंग देखा जाए तो आर्मेनिया ने इस टीम के सामने रिसेंटली मैच लॉसेस किए हैं या ड्रॉ खेले लेकिन विन नहीं किया, और यूक्रेन ने इस टीम के सामने प्रत्येक मैच में गोल स्कोर भी किया है और मैच को विन भी किया है, और इस टीम के सामने कहीं ना कहीं डिफेंस गोल कंसीड भी जल्दी से नहीं किया है। और रिसेंटली अगर देखा जाए तो आर्मेनिया का जो परफॉर्मेंस अटैक और डिफेंस काफ़ी डाउन है, और यूक्रेन का जो परफॉर्मेंस अटैक और डिफेंस काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। तो तीनों फॉर्मेट में आपको यूक्रेन ही एक फेवरेट टीम देखने को मिलेगी, तो इसीलिए मैं यूक्रेन को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। तो फाइनल गाइस, अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। तो गाइस, मुझे लगता है कि आज भी आर्मेनिया इस टीम के सामने गोल नहीं करेगी, और
दो गोल इस टीम के सामने कम से कम कंसीड कर देगी। तो इसलिए मैं अपना इस मैच की स्कोर लाइन प्रेडिक्शन रखता हूँ 0-2, और 0-2 का प्रेडिक्शन के अनुसार मैं अपनी ड्रीम इलेवन टीम क्रिएट करूँगा ड्रीम इलेवन पर। उससे पहले हम बात करेंगे इन दोनों टीम्स के प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो हम सबसे पहले नज़र डालते हैं आर्मेनिया के प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नज़र डालेंगे यूक्रेन के जो प्लेयर्स उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आर्मेनिया के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले दोस्त, अगर आप बिल्कुल नए हो और आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। इस मैच की समोली की टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इसी वीडियो का टॉप के कॉमेंट और इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, वहाँ से आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं सीधे मुद्दे के प्लेयर वाइज की कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए। तो हम सब उस पर नज़र डालते हैं आर्मेनिया के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस, आर्मेनिया की तरफ से फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के मैचेस में जो हाईएस्ट गोल टेकर थे हेनरिक मखीतारियन, इस टीम की तरफ से एक टॉप क्लास प्लेयर है और ये इटली में खेल चुका, तो काफ़ी अच्छा प्लेयर है और ये इस टीम की तरफ से रिसेंटली पेनल्टी भी गोल कर चुका। ओके, फिर यहाँ से टिग्रान है जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और फिर यहाँ से कामू है, इनको मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँ, लेकिन एडवर्ड एक टॉप क्लास प्लेयर है और आई थिंक रशियन प्रीमियर लीग में खेल चुका, काफ़ी अच्छे से परफॉर्मेंस भी किया है। और फिर यहाँ से फॉरेन है जो कि ये भी रशियन प्रीमियर लीग में काफ़ी क्लास प्लेयर है। ओके, फिर यहाँ से वजार्द जो कि इस टीम की तरफ से एक गोल कर चुका है। तो यहाँ से टॉप क्लास प्लेयर है, देखो फर्स्ट चॉइस मेरी यहाँ से खोरेन रहेगा जो कि एक टॉप क्लास प्लेयर है, इनको हम ड्रॉप नहीं करेंगे। हेनरिक खेलेगा तो इनको भी ड्रॉप नहीं करेंगे। फिर यहाँ से एडवर्ड मेरी थर्ड चॉइस रहेगी, तो इनको तो हम पिक करके चलेंगे ही चलेंगे। ओके, अब बात आती है इस टीम की तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो हम नज़र डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस, असिस्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ से तिग्रान जिसने एक गोल और दो असिस्ट, फिर यहाँ से खोरिन जिसने एक असिस्ट, फिर यहाँ आर तक एक असिस्ट, और यहाँ से लुकास एक असिस्ट। तो यहाँ से सिर्फ एक ही मुझे बेस्ट प्लेयर लगा, वो है खोरिन। आप यहाँ से तिग्रान को पिक कर सकते हो, एक गोल दो असिस्ट निकाल चुका, लेकिन थोड़ा सा कम चांस है क्योंकि दूसरी टीम डिफेंस मजबूत है, तो मुझे लगता है कि इतना इसका गोल असिस्ट नहीं आएगा तो डिफेंसिव पॉइंट भी नहीं देगा, तो इसलिए मैं इनको एज ए ड्रॉ ही करके चलाऊँ। अब बात करते हैं जो सेकंड टीम है यूक्रेन, उसके जो प्लेयर्स उनके बारे में कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो नज़र डालते हैं यूक्रेन के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस, यूक्रेन की तरफ से फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन मैच में जो हाईएस्ट गोल टेकर रोमान यारेमचुक, इस टीम की तरफ से क्लास प्लेयर है। फिर यहाँ से यार मोलेंको, ये भी टॉप क्लास प्लेयर है। ये दोनों प्लेयर खेलेंगे इस मैच में, तो दोनों को हम टीम में ट्राई करेंगे और दोनों में से किसी को भी आप हम टीम में एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। आर्टम डोबिक एक टॉप क्लास ये भी प्लेयर है। फिर यहाँ से जूनियर मोराइस, इनको मैं अभी एक लिए जैसे नहीं कर, लेकिन शापारेंको एक टॉप क्लास प्लेयर है, डिफेंसिव पॉइंट काफ़ी अच्छा दे जाता है। फिर यहाँ से शेरदी है जो कि ये भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन इसका खेलने का चांस थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे। फिर यहाँ से जिनचेंको क्लास प्लेयर है, लेकिन खेलेगा ये भी नहीं, मैनचेस्टर सिटी के लिए खेल चुका है और काफ़ी अच्छा डिफेंसिव पॉइंट देता है। ओके, फिर यहाँ से डेनियलो सीकान है, मैं इतना ज़्यादा आपके लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन जो टॉप क्लास प्लेयर जिनको हमें ट्राई करके चलना ही चलना, उनको मैं आपके लिए टिक कर देता हूँ और इनको आप हम टीम में ट्राई करके चल सकते हो। ओके, तो अब बात आती है इस टीम तरह से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो हम नज़र डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस, असिस्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ से ओलेक्जेंडर जो कि इस टीम की तरफ से डिफेंसिव पोजीशन पर भी काफ़ी अच्छा खेलता है, प्लस अटैकिंग प्लेयर है, असिस्ट पोटेंशियल हाई है, इंटरसेप्शन टैकल का पॉइंट दे जाता है, एक लो स्कोरिंग मैच में आप इन्हें वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। फिर यहाँ से चिनचेंको अच्छा प्लेयर है, लेकिन खेलने के चांस थोड़े से खेलेगा नहीं। ओके, फिर यहाँ से विक्टर है जो कि दो असिस्ट निकाल चुका है, रोमान है जो कि टॉप क्लास प्लेयर है, बाकी का रिकॉर्ड सामने स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो अब बात आती है इस मैच के स्कोरलाइन प्रेडिक्शन, मैंने रखी है 0-2, और 0-2 के प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहनी चाहिए इस मैच जो हमारी शमोली टीम है ड्रीम इलेवन पर। तो सीधे नज़र डालते हैं इस मैच के ड्रीम इलेवन की टीम पर, और अब इस वीडियो का सेकंड बेस्ट भी पार्ट शुरू होता है। तो सबसे पहले बात करें गोलकीपिंग सेक्शन से, तो मैं आपके लिए एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इस मैच में एक फेवरेट टीम है यूक्रेन। यूक्रेन का हमें अपनी टीम में 7 प्लेयर पिक करना है, और हल्की टीम इस मैच में आर्मेनिया है, तो इसीलिए हम 4 प्लेयर आर्मेनिया के पिक करेंगे, और कुल मिलाकर हमें इस मैच में 11 प्लेयर को पिक करना है विद कैप्टन और वाइस कैप्टन साथ। तो मैं हर एक प्लेयर्स के बारे में आपके लिए डिटेल्स में बताऊंगा, आप वीडियो को ध्यान से देखना और कंप्लीट देखना। गोलकीपर सेक्शन से बात की जाए तो आर्मेनिया का जो गोलकीपर इस मैच में सबसे ज़्यादा टेस्ट होगा, क्योंकि यूक्रेन का अटैक भी अच्छा है, डिफेंस भी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि यूरचेंको एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, तो इसीलिए मैं यूरचेंको को पिक करके चलाऊँ। आप यहाँ से ट्रोबिन को पिक कर सकते हो, लेकिन मैं ड्रॉप कर गया हूँ। ओके, फिर बात करें डिफेंडर सेक्शन से, तो मैं अधिकतर अपनी टीम में डिफेंडर यूक्रेन का सजेस्ट करूँगा। यहाँ से मार्ट वियंको एक टॉप क्लास प्लेयर, फिर यहाँ से कराइव्यू जो कि टीम की तरफ से रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में 4 असिस्ट कर चुका है, लो स्कोरिंग मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। फिर यहाँ से माइक कोलेंको एक टॉप क्लास प्लेयर है, फिर यहाँ से जबार्नी
ये भी अच्छा प्लेयर, लेकिन इनको अभी के लिए मैं इतना सजेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो टॉप प्लेयर हैं उनको मैं ड्रॉप भी नहीं कर सकता। फिर यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन है होरायन, मतलब हरोयान, जो कि एक डिफेंसिव वर्क भी अच्छा कर लेता और असिस्ट कभी कभी निकाल लेता, आप ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जितने और प्लेयर्स अगर खेलेंगे भी तो इनको मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगा नहीं, क्योंकि इनका डिफेंसिव नंबर इतना है नहीं है। फिर यहाँ से टिमिच, ये अच्छा प्लेयर हो सकता है, बाकी यहाँ पर मुझे किसी पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है, तो इनको ड्रॉप कर गया हूँ मैं। ओके, तीन ही डिफेंडर पिक कराऊँ, वो भी यूक्रेन का। बात करें मिडफील्ड सेक्शन में, जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी यूक्रेन की तरफ से, रुस्लान मलिनकोविच की, एक टॉप क्लास प्लेयर है, मतलब ये इटली में खेल चुका, आई थिंक इंटर मिलान या एसी मिलान, एस कुछ टीम के लिए खेला, काफ़ी अच्छा प्लेयर है। फिर यहाँ से सिदोरचुक एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, क्योंकि इसने भी असिस्ट और गोल दोनों में कंट्रीब्यूट किया है, तो इनको पिक करेंगे। फिर यहाँ से एडवर्ड है, जो कि आर्मेनिया की तरफ से एक अच्छा प्लेयर है, तो इन तीनों को हम वीकली ट्राई करके चलते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देखो यहाँ से मुद्रिक, ये भी अच्छा प्लेयर है, यहाँ से खोरिन, ये टॉप क्लास प्लेयर है, ये रशियन प्रीमियर लीग में खेल चुका है, तो काफ़ी अच्छा इसने, और उस टीम जिस टीम के लिए खेला है ना, वो उस टीम तरफ से सेकंड हाइस्ट गोल टेकर है आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता, तो ये अच्छा प्लेयर है, कहने का मतलब ये। बाकी यहाँ से मोद्रिक है, लाइनअप के बाद ट्राई करेंगे, बाकी अभी के लिए इनमें से किसी को मैं सजेस्ट नहीं कर रहा। यहाँ से शटापेंको है, जो डिफेंसिव वर्क काफ़ी अच्छा कर लेता है, कभी कभी असिस्ट भी निकाल लेता है और लॉन्ग बॉल से गोल भी कर देता है। बाकी यहाँ पर मैं किसी का आपको इतना ज़्यादा सजेशन दूंगा नहीं, क्योंकि इतना क्लास प्लेयर है नहीं है, तो ये एज आपको देखने मिलेंगे, तो इनको ड्रॉप भी करना। ओके, बात करें सेंटर फॉरवर्ड, जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी यार मोलेंको, ये टॉप क्लास प्लेयर है, इनको मैं नहीं ड्रॉप कर सकता। फिर यहाँ से याराम चुक है, जो कि इस टीम तरफ से, ये भी क्लास प्लेयर है, तो ये दोनों क्लास प्लेयर हम टीम में ट्राई करके चल रहे हैं। फिर यहाँ से डोबिक है, इनको ट्राई कर सकते हो, लेकिन खेलने के चांस थोड़े से कम रहेंगे इस मैच में इसके। ओके, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आती है आर्मेनिया की तरफ से, बार्शग्यान को पिक कर सकते हो, या आप यहाँ से बिचाक यान को पिक कर सकते हो, ये भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन मैं अपनी टीम में सजेशन दूंगा तिगरान बार्शग्यान को, इनको टीम में ट्राई करके चलेंगे। ओके, तो मैं अभी के लिए ये पिक करूँ। बात करें मेरी टीम की, तो ये मेरी टीम है, याद रहे ये वीडियो का आधार पर टीम है, लेकिन जो फाइनल टीम रहेगी लाइनअप के बाद वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कैप्टनसी की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि आज के मैच में कैप्टनसी यार मोलेंको को देनी चाहिए, वाइस कैप्टन रुस्लान मलिनकोविच को देनी चाहिए। आप चाहते हैं यार रामचुक को रख सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए इनको एज ए प्लेयर के तौर पर ही पिक कर चला हूँ। फिर बाकी सिदोरचुक है, ये भी अच्छा प्लेयर है, इनको रख सकते हो, लेकिन अभी मुझे ये टॉप दो लगे सही, तो इन्हीं को मैं पिक कर चला हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन। ओके, तो ये टीम वीडियो का आधार पर, फाइनल टीम लाइनअप के बाद पता चल जाएगी कौन सा प्लेयर है जो कंटिन्यू 90 मिनट भी खेलेगा, और अगर 90 मिनट खेलेगा अगर गोल असिस्ट नहीं आए तो ऐसा कैसा है कि वो डिफेंसिव पॉइंट अच्छा दे जाए, वो कैसे देगा, तो मैं आपको लाइनअप के बाद बता दूंगा। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना, और फाइनल टीम चैनल पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।